चलो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, पाइथन में लिस्ट क्या होता है और हम लोग लिस्ट क्यों यूज करते हैं। अदर लैंग्वेजेस जैसे सी सी प्लस प्लस इन सब में हम लोग क्या करते थे, एरे का यूज करते हैं। तो एरे का ही क्या करते हैं, एरे को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पाइथन में लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एरे क्या होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। एरे में मतलब एक ही प्रकार के, अगर इंटीजर रख रहे हो तो इंटीजर ही टाइप के डेटा रखते हो, अगर स्ट्रिंग रखते हो तो स्ट्रिंग में ही टाइप के डेटा रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, लिस्ट हमारा ये इसमें हेट्रोजीनियस मतलब अनेक प्रकार के, अगर स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो, बुलियन वाले भी रखना हो तो उसको भी रख सकते हो। तो ये क्या होता है, ये इट इज द कलेक्शन ऑफ द हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब यह है इसमें हमें अनेक प्रकार के डेटा को रख सकते हैं। तो जैसे कोई भी लिस्ट क्या होता है, जैसे अनेक वेरिएबल को, जैसे अनेक वेरिएबल हमें क्या करता है, एक ही वेरिएबल में हम लोग असाइन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर कोई आदमी है तो उस आदमी का कुछ नाम होगा, नेम होगा, एज होगा, और कुछ उसके पास मोबाइल नंबर भी कुछ भी कुछ कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग उसको ये नहीं करेंगे नेम इक्वल टू दिस एंड एज ऑफ दिस मैन इक्वल टू दिस, ऐसे ऐसे करके उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक हम लोग लिस्ट ले लेंगे, मतलब लिस्ट मतलब क्या होता है समझिए जा रहे हैं, लिस्ट मतलब जहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करके रखे रहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो उस लिस्ट में क्या करेंगे, जैसे हम लोग एक जगह नेम दे दिया, उसका एज दे दिया, उसका मोबाइल नंबर दे दिया, उसी लिस्ट में इंटर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या उसका यूज हम मल्टीपर्पज के लिए करते हैं, तो उसको एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं लिस्ट मतलब क्या है, इसका बेसिक फंक्शनलिटी कैसे होता है। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में कोई भी वैल्यू जैसे दिया रहता है, हम लोग नीचे करते जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, एक मैंने लिस्ट ले लिया, यहाँ पे दिया गया जो इसका वेबसाइट दिया गया W3 स्कूल का, इसमें ये लिस्ट, लिस्ट का पहले नंबर सिंबल क्या होता है, लिस्ट को हम एक बड़े ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कैसे करते हैं, तो लिस्ट को हम ये बड़ा ब्रैकेट से ले लिया, इसको ऐसे करेंगे लिस्ट ही हमारा इंपटी लिस्ट हो गया, ठीक है ना। तो लिस्ट मान लो एल टी मैंने ले लिया, LT, ये लिस्ट हो गया, ये एम्प्टी लिस्ट, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। और जैसे अगर ये इसमें लिस्ट क्या है, कीवर्ड है, ठीक है ना, ये लिस्ट मेरा प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन में, ठीक है ना। इसका यूज करके हम लोग कोई भी जैसे वेरिएबल दिया उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। तो इसके टाइप कन्वर्जन क्या होता है उसको आगे बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या किया, जैसे यहाँ पे ये मैंने जिस लिस्ट दिया, अब इस लिस्ट में क्या किया, कुछ वैल्यू डाल दिया, ये लिस्ट है ना, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, एप्पल डाल दिया, बनाना डाल दिया, चेरी डाल दिया, एप्पल डाल दिया, फिर चेरी, कुछ भी जो वैल्यू देते हैं। फिर अगर हमें इसी पूरे लिस्ट को प्रिंट करना है, ठीक है ना, तो हम ये इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे और पूरा इसमें जितने भी सारे वैल्यू होंगे उसको वन बाई वन प्रिंट करता चला जाएगा। जैसे क्या किया, हटा दे रहा हूँ, मान लो मैंने एक रियल्टी नाम का मैंने लिस्ट दे दिया है, रियल्टी डाल दो, ये जो भी नाम देना हो अपने आप से दे सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी अगर नहीं डाला तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा इम्प्टी शो करेगा। इसके अंदर मान लो मैंने डबल में लिखो, सिंगल में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने मान लो कितना दे दिया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगा के मान लो मैंने दे दिया 56। इंटीजर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या और ये हम लोग जो ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं, ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा इंटीजर ही रहेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मान लो मैंने एक नाम दे दिया, ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, राम दे दिया। फिर मैंने कॉमा लिया यहाँ पे, फिर मैंने डाल दिया PQR, कुछ भी, ये हमारा क्या है, लिस्ट है, ठीक है ना, लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हमें प्रिंट करा के देखना है, प्रिंट क्या करें, लिस्ट को हम लोग अगर प्रिंट करा के देखते हैं तो क्या देता है, इसके जितने सारे वैल्यू होंगे इसको क्या करेगा, उठा के फेंक देगा। देखो यहाँ पे जितने सारे नहीं थे ना, ये जो भी सारे थे इसके वैल्यू यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, ये क्या है, लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल, मतलब लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बाद में जैसे ऐड करना है कोई एलिमेंट, कॉमा लगा के ऐड भी कर सकते हैं, या अपेंड, अपेंड नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर वैल्यू डाला जाता है, तो उसको भी बताएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पहले क्या, ये कि जो इसमें दिया गया है उसको बताते जाते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल, मतलब उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मतलब
हाँ यहाँ तक हो गया, लिस्ट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं क्या। हाँ इंडेक्स, इसमें इंडेक्सिंग होता है, मतलब इंडेक्स कैसे क्या करता है। इंडेक्स मतलब जानते हो ना, इससे क्या हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वहाँ एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन, चार, पाँच, ऐसे होता है। जो इसमें पहला वाला जो वैल्यू दिया रहता है, ठीक है ना, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक कामा से पहले वाला, ये कॉमा है, कॉमा से पहले वाली वैल्यू कितना, जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है ना, ये जीरो इंडेक्स पे है। उसके बाद में जो 56 लिखा है, ठीक है, ये 56 हमारा कितने, वन, ये इसका इंडेक्स क्या है, वन है। जो ये है कितना लिखा है, राम, ये राम हमारा कितना है, यहाँ पे तो दिख रहा है 1 2 3 कर करोगे 3 होगा, लेकिन 3 नहीं, हम लोग 0 से शुरू करेंगे। 123 0 पे हो गया, 56 हमारा 1 पे हो गया, और राम कितना हो गया हमारा 2 पे हो गया, और फिर ये पी क्यू आर कितना हो गया 3। तो हमारा इंडेक्स यहाँ से जाएगा 0 से लेकर 3। लेकिन इसका अगर हम लेंथ देखें, मतलब कितनी लंबा है, तो ये है 0 वाला 1 हो गया, फिर ये 2, ये 3, ये 4, इसका लेंथ कितना हो गया, इसका साइज 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें पाइथन में लेंथ, लेंथ नाम का एक वेरिएबल होता है, मतलब ये प्री डिफाइंड इसमें फंक्शन होता है लेंथ, ठीक है। हम लेंथ का यूज करके हम इस लिस्ट का हम लेंथ निकाल सकते हैं, ये कितना बड़ा, इसका लेंथ क्या है। तो लेंथ हमने यूज किया और लेंथ में हमने लिस्ट डाल दिया, ठीक है, लिस्ट डाल दिया। अब इसको हम स्टोर किसी में, मान लो L1 नाम का कोई वेरिएबल है, उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है ना, या इसका लेंथ यहाँ पे दे दिया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, मान लो L1 को हम प्रिंट कराते हैं, तो अभी देखो कितना देगा, 4 इसका आउटपुट दे देगा। रन करा के देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सही है, ये कितना, इसका लेंथ कितना आ गया, 4, 0 1 2 3, इंडेक्स तो 3 तक जाएगा लेकिन लेंथ कितना हो गया, 4। तो ऐसे अगर कोई पूछ लेता है कि कोई अगर हमारे पास लिस्ट है उसकी लेंथ 4 है, तो उसका इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, तो 4 - 1 मतलब 3 तक जाएगा उसका इंडेक्स, 0 1 2 3 मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे इसका ये लिस्ट का ये मतलब है। अब लिस्ट में हम कोई भी वेरिएबल यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना, ये देखो हमने इंटीजर रखा है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम लोग बुलियन भी वैल्यू रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स जो भी रखना हो, कॉमा लगा के टी आर यू ट्रू, ठीक है ना, ये हमारा इसमें क्या है, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें अनेक हेट्रोजीनियस ऑफ डेटा हम लोग रख सकते हैं, देखो, ठीक है ना। अब उसके बाद में चलो और देखते हैं कुछ छोटा, टाइप क्या होता है लिस्ट का, अगर टाइप फंक्शन क्या करता है, यहाँ जैसे प्रिंट देखो, प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट, टाइप ऑफ माई लिस्ट कुछ भी है ना, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा टाइप, अगर उसका टाइप चेक करना है कि वो कौन से किस टाइप का है, तो हम लोग क्या, कौन सा फंक्शन करेंगे यूज, टाइप फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट लिखा है, तो यहाँ पे टाइप अगर टाइप कर दिया, टाइप यहाँ पे सिंगल ये छोटा ब्रैकेट के अंदर लोग इसको प्रिंट कर देंगे, लिस्ट एलटी का क्या टाइप है, अभी क्या प्रिंट करेगा कि ये लिस्ट टाइप का है, देखो कौन सा, ये क्लास क्या है, क्लास लिस्ट टाइप का, ठीक है ना, ये लिस्ट टाइप के क्लास में ये डिफाइन है, ठीक है ना। तो वन बाय वन जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएं, धीरे धीरे समझते जाओगे, अभी तो ये शुरुआत है, तो एक एक थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो वही बात, दिक्कत और करना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक तो पहुँच गए, फिर ये भी हो गया, और हम इसमें ऐड करके अपने से बता दे रहे हैं, ठीक है, इसमें ये सब तो बता ही दिया हूँ, चलो अपने से थोड़ा ऐड करके बता रहे हैं। अब जैसे मैंने इसको लेंथ तो मैंने काउंट कर लिया, कौन सा क्या है, ठीक है। तो लिस्ट में जैसे मैंने बता दिया कि लिस्ट में कौन सा किसका कहाँ पे क्या लेंथ है, यहाँ पे कौन सा क्या लेंथ नहीं है, उसको मैंने तो प्रिंट करके देख चुके हैं। अब जैसे हमें क्या करना है, हमें यहाँ ये लिस्ट है ना, तो इस लिस्ट को जैसे हमने कोई वेरिएबल ले लिया, हमें मान लो कोई वेरिएबल ले लिया माई लिस्ट, माई लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अगर किसी इंडेक्स की हमें वैल्यू को चाहिए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये लिस्ट ए वाला क्या है, बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद में उसके इंडेक्स को वैल्यू हम लोग वहाँ पे रख देंगे, उससे उसका मान आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमें राम की वैल्यू चाहिए, ये हमें राम चाहिए, ये किस इंडेक्स पे है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देख लेंगे 0 1 2, ये सेकेंड इंडेक्स पे है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 पास कर दिया, ठीक है, 2 पास किया ना,
क्या कर देगा यहाँ पे, अगर हम माई लिस्ट को हम प्रिंट कराएंगे तो ये राम को प्रिंट कर देगा क्योर। यहाँ पे मैंने लिखा माई लिस्ट, अगर माई लिस्ट को मैंने प्रिंट कराया तो क्या करेगा, राम को प्रिंट कर देगा। देखो राम को दे दिया ना। तो हमें अगर यहाँ ऐसे लिखो भी ना लिखो तो कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसको हटा दे। अगर यहाँ हम लिख दें क्या लिस्ट, वो तो मैंने बताया था कि इसको भी ऐसा लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मान लो लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर हमें कौन सा इंडेक्स चाहिए, मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, मैंने मान लो फोर्थ इंडेक्स ले लिया, ठीक है फोर्थ। अब फोर्थ इंडेक्स देखो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, ट्रू दे दिया ना। अब अगर यहाँ पे हमने अगर 0 डाल दिया, 0 एंटर किया तो क्या दे देगा, हमारा 0 पे 1 2 3 दे देगा, ठीक है ना। ऐसे कोई भी इसके इंडेक्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ज्ञात कर सकते हैं कि इसके वैल्यू कौन सा वैल्यू कहाँ से है। तो लिस्ट में हम लोग किसी प्रकार के वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे मान ले मोबाइल नंबर कुछ डाल दिया, ये उसका एज हो गया, ये उसका नाम हो गया, ये उसका एड्रेस हो गया, PQR, वो आदमी सही है गलत, कुछ भी मतलब कुछ भी चेक करना हो उसको यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो ये लिस्ट के इतना हो गया, म्यूटेबल मतलब म्यूटेबल होता है, हम इसके वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट, रिमूव भी कर सकते हैं। तो यह क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल नॉन म्यूटेबल के बारे में बताते रहेंगे, इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट किया गया वो भी मैंने बता दिया। अब हाँ लेंथ भी हो गया। अब जैसे मान लो मैंने लेंथ यहाँ पे निकाला था यल, ठीक है, यल इक्वल टू डेन, डेन नाम का फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर मैंने क्या क्या लिस्ट डाल दिया कि हाँ ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट जो है मेरा, इसकी लिस्ट का हमें क्या क्या लेंथ कैलकुलेट कर ले और उसको यहाँ पे इसको असाइन कर, इस लिस्ट के कितने वैल्यू आ जाएगा, 0 1 2 3 4, फोर ले, इसका लेंथ कितना है 5, तो यल की वैल्यू कितना है 5। तो हम अगर यहाँ पे डाल दें यल को तो क्या करेगा, अब इसको प्रिंट कराएंगे, इरर देगा। क्यों इरर देगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 इंडेक्स तक है ही नहीं, कितना है 0 से, ये हमारा लिस्ट का लेंथ 5 है तो हमारा 4 ही इंडेक्स तक होगा ना, तो हमने दे दिया कितना 5, तो इरर क्या देगा, इरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है ना। ये इसका ये हम लोग जितना कर रहे थे उससे बड़ा चल जाता है, लिस्ट का इंडेक्स क्या है आउट ऑफ रेंज, मतलब इसके रेंज में हम लोग डाले नहीं, उससे ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्या करेगा एरर देगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस वन कर दिया, ठीक है। तो एक जब कम करेंगे तो हमारा 4 तक अपने आप ले लेगा, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमारा 2 प्रिंट कर देगा, देखो ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते जाएंगे लिस्ट क्या है, लिस्ट का क्या यूज है। अब एक एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट का एग्जाम्पल थोड़ा कर लेते हैं सही रहेगा। जैसे कौन सा एग्जाम्पल है, हाँ मान लो 2 लिस्ट दिए हैं, उसके जो वेरिएबल है उसको ऐड करना है। जैसे मान लो एक LT1 नाम का लिस्ट दे दिया, लिस्ट LT1 दे दिया, उसमें मान लो मैंने 2 दे दिया, कॉमा 3 दे दिया, 5 का दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, और एक मान लो मैंने स्ट्रिंग दे दिया PQR, ठीक है, ये दूसरी लिस्ट L2 दे दिया, L2 नाम की लिस्ट लिया, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, मान लो 9 दे दिया, 5 6, मान लो 7, फिर मान लो मेरा 9 हो गया, कॉमा एक स्ट्रिंग दे दे इसमें, ठीक है, ये 2 है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अगर हम किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं जो वो सेम डेटा टाइप का रहता है, अगर इंटीजर को इंटीजर इंटीजर में ही ऐड होता है, अगर हम लोग हमारे पास स्ट्रिंग है चार या चार, तो उसको हम लोग किस में करते हैं, स्ट्रिंग में, उसको उसी में ऐड करेंगे। अगर हम लोग स्ट्रिंग को, अब ये हमारा क्या है इंटीजर है, 9 हमारा इंटीजर है, ये क्या है हमारा स्ट्रिंग है, PQR क्या है स्ट्रिंग, तो इसको इसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग डेटा टाइप के हो गए। तो इसको अगर हमें ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो स्ट्रिंग को क्या करें हम लोग इंटीजर बनाएं, या तो इंटीजर को क्या करें स्ट्रिंग बनाएं, दो में से कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम क्या करें, अभी जैसे हमें मान लो ये छोटा लिस्ट है, इसमें हमें इंडेक्स दिख रहा है कि हाँ इसका इंडेक्स क्या है, जब प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जैसे हमें प्रिंट, मान लो एक सम नाम का मैंने वेरिएबल यस ले लिया, सम में क्या करते हैं, लिस्ट 1 को, लिस्ट 1 के हम मान लो
सेकंड इंडेक्स का, सेकंड इंडेक्स को क्या होगा, पांच, पांच को प्लस लिस्ट LT2 के, टू के कौन से इंडेक्स को अगर ऐड करें, मान लो ये 9 5, ये हो गया मेरा IST का इंडेक्स कितना होगा, ये है 3 3 6, मतलब ये पांचवा इंडेक्स पे है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 5, और हम प्रिंट करते हैं किसको, यस को, प्रिंट किया यस को, तो क्या देगा, ये इरर देगा। क्यों इरर दिया, मैंने स्ट्रिंग को किसमें जोड़ दिया, इंटीजर में, तो क्या करेगा अभी इरर देगा। देखो अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप यस प्लस इतना इंटीजर, इंटीजर स्ट्रिंग को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे अगर मान लो हमने 9 को ऐड कर दिया, 7 को, 6 को, 5, किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। देखो जैसे क्या किया मैंने, ये 7 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 7 कौन से इंडेक्स पे है, 7 हमारा थर्ड इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हमारा 2 कौन सा, 5, और 7 5 12, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 12। देखो 12 हमारा आ गया ना आउटपुट। तो इसी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, और आगे जो भी होगा उसको एक एक करके बताते जाएंगे। इसका आगे यूज हम फॉर लूप बताएंगे, तो फॉर लूप में काफी यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। हाँ अगर एक चीज और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास दो लिस्ट है, ठीक है। अपेंड, अपेंड फंक्शन कैसे करता है, ठीक है ना, इसमें अपेंड, अपेंड भी बता दे रहे हैं। जैसे मैंने एक LT1 मान लो नाम का एक लिस्ट दे दिया, लिस्ट न्यू, मान लो लिस्ट न्यू नाम का एक लिस्ट दे दिया, इसको मैंने इम्प्टी छोड़ रखा, इसमें कुछ वैल्यू डाला नहीं, ठीक है। अब अगर हम चाहूं, मैं चाहूं तो LT न्यू में कोई वैल्यू हमें देना है, मान लो यहाँ पे दे दिया, मान लो चलिए बहुत ज्यादा वेरिएबल लेना कोई ज्यादा सही नहीं है। तो LT न्यू में हम क्या कर रहे हैं, डॉट अपेंड, अपेंड नाम का फंक्शन होता है इसमें प्री डिफाइंड, ठीक है ना। अपेंड, अपेंड में क्या करेगा ये, उसमें कोई भी वैल्यू के ऊपर आपको जो भी वैल्यू देना है उस वैल्यू को आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो LT न्यू, तो हम लोग अगर लिस्ट है ना, तो LT न्यू में हम लोग कुछ भी वैल्यू जिसे ऐड करना चाह रहे हैं, तो जैसे हमारा LT2 लिस्ट 2 है ना, लिस्ट 2 का जैसे कोई भी वैल्यू हमें डालना है इसके अंदर। जैसे ये कौन सा है, RST, ये कौन सा इंडेक्स पे होगा, 3 3 6, मतलब पांचवा इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 दे दिया, और इसको हम लोग क्या करें, प्रिंट भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रिंट ना करना हो, RST आ गया ना, LT न्यू में हमने क्या किया, RST ये हमारा इसके अंदर असाइन हो गया। इसी तरीके से जो भी हमें कोई वैल्यू अगर LT का चाहिए, LT1 का जो भी वैल्यू में एंटर करना हो, ऐड करना हो, मान लो हमने इसका इंडेक्स कौन सा लिया, या अगर कोई लिस्ट में वैल्यू है नहीं फिर भी हमें कोई वैल्यू मान लो 5 6 ये कुछ भी ऐसे करना है, ठीक है इसमें। और अगर मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, मान लो ना दे दिया कॉमा, डबल में लिख दिया, ये भी कुछ लिख दिया कॉमा, कितना दे दिया मान लो ये मैंने दे दिया इतना, अब ये क्या होगा, और छोटा ले लेते, अब ये हमारा 5 6 8 8 7 जो होगा ये इसके, इस लिस्ट के LT न्यू के लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। LT न्यू को अगर हम लोग अपेंड कर दिए यहाँ पे, तो इसके लास्ट में ऐड होके फिर यहाँ पे आउटपुट देगा। देखो तो इतना दिया, ये हमारा जाके लास्ट पे अपेंड हो गया, ठीक है। इसके लास्ट में कोई भी वैल्यू जाके ऐड, चलो ये तो यहाँ तक लिस्ट हो गया। लिस्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया, लिस्ट क्या है, लिस्ट का क्या यूज है।